कासिम रजार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साथ। तो आप देख पा रहे हैं हीरो प्लेजर प्लस है दोस्तों, ये BS6 वर्जन है। यहाँ पर आपको दिखा दें तो दोस्तों इसमें दिक्कत किस तरह का है वो आपको हम बताने वाले हैं। और जो इसका गाड़ी है दोस्तों, ये हमारा भाई बहुत परेशान है इस गाड़ी से। ये FI है, इस जगह पर आपको दिखा दें, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा। तो दोस्तों इसमें दिक्कत किस तरह का है वो हम आपको बताएँगे। इस जगह पे दोस्तों चाबी को इस तरह से ऑन करेंगे, गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट मारेंगे तो गाड़ी हमारा ट्यूनिंग रुकता नहीं, बंद पड़ जाता। तो यहाँ पर ब्रेक यूज करेंगे स्टार्ट, तो देख पा रहे हैं बंद होगी। फिर वापस हम इस तरह से ब्रेक मारेंगे और सेल्फ यूज करेंगे, यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो दोस्तों। दिख पा रहा होगा गाड़ी स्टार्ट है, और जैसे एक्सीलेटर को हम छोड़ेंगे यहाँ गाड़ी ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों दिक्कत किस तरह का इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरह का परेशानी जब आता है हमारा भाई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसमें कार्बेटर नहीं दोस्तों, इसमें टोटल बॉडी है, और किस तरह से इसको करना है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों एक बार और हम प्रॉब्लम को फेस करा दूँ आपको। चाबी को इस तरह से यहाँ पर ऑन करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा BS6 है। चाबी को ऑन करेंगे दोस्तों, ब्रेक यूज करेंगे यहाँ पर और सेल्फ स्टार्ट मारेंगे। गाड़ी हमारा एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाता है, कोई इशू नहीं है। गाड़ी हमारा एक सेल्फ में स्टार्ट होता है दोस्तों, पर जैसे एक्सीलेटर यहाँ हम छोड़ेंगे इस तरह से गाड़ी ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हो रहा है। तो जिसका गाड़ी है दोस्तों, कस्टमर बहुत परेशान है, थोड़ा सा गाड़ी स्लो करता है तो गाड़ी बंद पड़ जाता है। तो एक प्रॉब्लम लेके आया दोस्तों, इसको हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका जो है ये सीट को हम ओपन करते हैं और आगे का आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीट को हम ओपन कर चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको दिखा दें जगह पे। तो इसको क्या करेंगे, इसको ट्यूनिंग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिखा दें, ये दिख पा रहा होगा आपको, ये बोल्ट प्लास्टिक का बोल्ट है दोस्तों यहाँ पर, और इसी से हम इसको सेट करेंगे। तो दोस्तों ये FI है, इसको समझ लें किस तरह से होता है। ये हमारा कार्बेटर नहीं है, इसमें टोटल बॉडी लगा हुआ है। तो इसको हम सेट करेंगे और लाइव आपको बताएंगे किस तरह से है दोस्तों। गाड़ी को स्टार्ट मार लेंगे इस तरह से, चाबी को ऑन करेंगे इस तरह से, अब गाड़ी को स्टार्ट, गाड़ी हमारा स्टार्ट है। और यहाँ पर आपको दिखा दें इस जगह पे दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे, टाइट नहीं करना है दोस्तों, लूज करेंगे इस तरह से। यहाँ पर दिख पा रहा हो इस तरह से लूज करना है, तो आप देख पा रहे होंगे ट्यूनिंग हमारा इस जगह पर रुका हुआ है यहाँ पर। और ज़्यादा हम इसको रेस नहीं करेंगे दोस्तों, एकदम मीडियम रहेगा, एकदम परफेक्ट रहे, जैसे हमारा प्रॉपर तरह से ज़्यादा रेस भी ना रहे। और हमारा गाड़ी ट्यूनिंग रुका हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा दें इस तरह से देख पा रहे होंगे, सिलेंडर छोड़ दिए और गाड़ी हमारा हैंडल में रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, परफेक्ट तरह से हमारा ये हो चुका है। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, इसका सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह से BS6 गाड़ी देख के घबराना नहीं है। तो इस तरह से एकदम छोटा सा प्रॉब्लम था दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी हमारा स्टार्ट में रुका हुआ है। एक बार और बताएं आपको, स्टार्ट करके यहाँ पर चाबी को ऑफ करेंगे और इस तरह से ऑन करके स्टार्ट मारेंगे। देख पा रहे हैं एक इंजन लाइट जा चुका है, हमारा गाड़ी एकदम सही ट्यूनिंग पर रुका हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्लियर हो चुका है। छोटा सा प्रॉब्लम था दोस्तों, हमारा भाई लोग बहुत परेशान थे इसमें। तो इसका सीट को लगाते हैं दोस्तों, इसको चला के भी चेकआउट करेंगे। तो सीट को लगा लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका सीट को भी हम लगा चुके हैं दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और गाड़ी को डायरेक्टली एक बार और स्टार्ट करके आपको चेक करके बताएंगे। यहाँ चाबी को इस तरह से ऑन कर दिए दोस्तों और ब्रेक मार के यूज करेंगे, देख पा रहे होंगे, और हमारा परफेक्ट तरह से ट्यूनिंग रुका हुआ है, गाड़ी हमारा स्टार्ट पोजिशन में, देख पा रहे होंगे सुनने में आ रहा होगा आपको। इस तरह से हमारा ट्यूनिंग रुकना चालू हो गया, गाड़ी को ऑफ करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों छोटा छोटा प्रॉब्लम आते रहता है गाड़ी में, तो घबराना नहीं, उसको समझना पड़ता है दोस्तों। गाड़ी किस हिसाब से है, गाड़ी देखो और उसका प्रॉब्लम किस हिसाब से, वो सब देखना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों। इस तरह से BS6 का टेक्निकल वीडियो हम अपने चैनल में डालते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक के वीडियो यहीं करते हैं।